आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसी जबरदस्त कमाल की एप्लीकेशन के बारे में जिसमें आप बिना किसी ओटीपी के आप कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं, कॉल डिटेल निकाल सकते हैं, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड की हो या किसी घर में किसी रिलेटिव की हो। आपको कॉल हिस्ट्री निकालनी है, कॉल डिटेल निकालनी है, पिछले 1 साल की, 6 महीने की, 3 महीने की, तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से बिना किसी ओटीपी लिए आप कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं। और ये एप्लीकेशन 100% वर्क करती है, तभी मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जो मैंने इंस्टॉल करके रखी है अपने मोबाइल में। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से एप्लीकेशन काम करती है और आप इसका किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके, वो भी किसी की कॉल हिस्ट्री निकाल करके देख सकें। एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपसे कुछ परमिशन वगैरह मांगेगी, आप वो दे सकते हैं। यहाँ के जो नंबर शो हो रहे हैं वो मैं हाइड कर दूंगा, आप इससे परेशान ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मेन्यू में आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडवांस सर्च आएगा, स्टेटिक्स आ जाएगा, ठीक है। एड फेक कॉल, मतलब आपको किसी की फेक कॉल ऐड करना है यहाँ पे हिस्ट्री में, तो आप वो भी कर सकते हैं, बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं, और हाइड भी कर सकते हैं कॉल लॉग को, ठीक है। और सेटिंग्स में और भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हमें आपको यहाँ पे दिखाना है कि आप 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना किस तरह से आप कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्लीज़ वेट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से देख सकते हैं कॉल हिस्ट्री यहाँ पे हो गई है। यहाँ पे आप इसे क्लिक करके देख भी सकते हैं या यहाँ पे मेल कर सकते हैं। चलिए हम मेल कर लेते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि फिर कॉल हिस्ट्री हमारी किस तरह से आएगी और वो कब से कब तक की निकल चुकी है। तो चलिए मेल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना मेल सेलेक्ट कर लें। चलिए जीमेल हम ओपन कर लेते हैं, जीमेल पे हम किसी मेल पे अपना भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए अलाउ कर देते हैं इसको, है ना। देखिए 2.8 MB की मेरी कॉल हिस्ट्री है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं मेल डाल देता हूँ जिस पे मेरे को सेंड करनी है। चलिए मैं सेंड कर देता हूँ। तो देखिए ये मैंने ईमेल डाल दिया और सेंड पे मैं कर लेता हूँ क्लिक। जैसे ही हम सेंड पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये मेल हमारा पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम कि हमें मेल आता है कि नहीं आता है और कॉल हिस्ट्री किस तरह की रहने वाली है। तो हम अभी अपना ईमेल चेक करेंगे। तो चलिए ईमेल चेक कर लेते हैं, मैं अभी अपना ईमेल चेक कर लेता हूँ कि मेल मुझे आया है या नहीं, ठीक है। तो मेरा ईमेल यहाँ पे रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऊपर अपना भी आ गया याहू ईमेल में कि कॉल मैनेजर हिस्ट्री के नाम से जो मैंने मेल करा था, ये देखिए यहाँ पे मुझे रिसीव हो चुका है। चलिए हम देख लेते हैं किस तरह का मेल है और क्या उसमें लिखा हुआ आया है। तो ये कि फाइल आई हुई है, या सेव भी कर सकते हैं आप। मैं बी ओ पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे को आपको दिखानी है कॉल हिस्ट्री। तो चलिए यहाँ पे ये लोडिंग हो रही है। अब यहाँ पे आप ऑफिस को सेलेक्ट कर लें या आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी फाइल आ चुकी है, नाम आ रहा है, टाइप आ रहा है, नंबर आ रहा है, कॉल इनकमिंग, टाइप इनकमिंग है, मिस कॉल है, टाइम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ड्यूरेशन भी शो करेगा, और यहाँ पे और भी इस तरह की हिस्ट्री आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से कॉल हिस्ट्री आपको मिलेगी देखने के लिए, ये देख सकते हैं, है ना। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए तो यहाँ पे नंबर आएगा शुरू में लिखा हुआ, नंबर का कॉलम है, ये कॉल टाइप इनकमिंग है, मिस कॉल है, ये हमने करी हुई है ना। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कॉल हिस्ट्री मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कितनी कॉल हिस्ट्री नज़र आ रही है, मैं दिखा देता हूँ आपको लास्ट कहाँ तक आ रही है मेरी। तो भाई मेरी कॉल हिस्ट्री जो है देखिए 19,547 यहाँ तक का रिकॉर्ड है इसमें। सारे मोबाइल्स हैं जिन्हें मैंने कॉल करी है, उनकी कॉल आई है, मिस्ड कॉल है और रिसीव कॉल है, आउटगोइंग कॉल है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए
17-18 हज़ार पे मैं नीचे आ चुका हूँ। और भी नीचे को कॉल हिस्ट्री है, यदि आप और भी देखना चाहते हैं तो नीचे को क्लिक करते रहे और आपके सामने कॉल हिस्ट्री आती रहेगी, नंबर आता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 17 हज़ार नंबर आ रहा है, 17 हज़ार ये। तो देखिए भाई इतनी सारी कॉल हिस्ट्री इसने मेरी निकाल करके दी है बिना ओटीपी के। इसमें कोई ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ी है और सब काम अच्छे से हो गया है, बहुत आसानी इजीली तरीके से यहाँ पे कॉल हिस्ट्री निकल गई है। यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, ये मोबाइल कॉल है, ये नंबर है, यहाँ पे मिस्ड कॉल, इनकमिंग कॉल या इस तरह का यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी नंबर की बिना ओटीपी के मदद से कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके इसे सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।